देखिए, कुछ ही देर में बिहार के नवादा पहुंचेंगे पीएम मोदी और नवादा के कुंतीनगर मैदान में पीएम मोदी की भव्य रैली होने वाली है। यहां पर संबोधित करेंगे जनता को। बता दें कि 72 घंटे में दूसरी बार आज बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने जा रही हैं। एक बार फिर बिहार का दौरा कर रही है। नवादा के कुंतीनगर मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे। उनके साथ चिराग पासवान भी रहेंगे मौजूद, साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर नजर आएंगे। तो 72 घंटे में ये दूसरी बार है जब बिहार पहुंच रहे हैं पीएम मोदी और थोड़ी ही देर में नवादा पहुंचेंगे और यहां जनता को संबोधित करेंगे। तो ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले जब दौरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, 4 अप्रैल को जमुई पहुंच रहे थे। यहां पर जाकर उन्होंने जनता को संबोधित किया। प्रचार धुआंधार लगातार जारी है प्रधानमंत्री का, और आज नवादा में है प्रधानमंत्री और आज नवादा की जनता को संबोधित करेंगे। नवादा के कुंतीनगर मैदान में पीएम मोदी की ये रैली होने जा रही है। तो नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। पीएम की चुनावी जनसभा होने वाली है। 72 घंटे में बिहार का ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री का। नीतीश कुमार मंच पर साथ में रहेंगे मौजूद। एनडीए का एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन होगा, अपनी एकता को दिखाने की कोशिश की जाएगी एनडीए की तरफ से। विवेक ठाकुर जो कि बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। चिराग पासवान भी मंच पर मौजूद नजर आएंगे। तो विवेक ठाकुर के लिए प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवादा पहुंच रहे हैं। उनका धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। यही वजह है कि पिछले 72 घंटे की बात करें तो यह दूसरा दौरा है बिहार का प्रधानमंत्री का। तो देखिए, पीएम आज जिन सीटों पर प्रचार करेंगे, वहां पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है। और बिहार की नवादा सीट इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार यहां से उम्मीदवार बीजेपी ने अपना उतारा है। जी हां, मुकाबला बीजेपी के विवेक ठाकुर और आरजेडी के श्रवण कुशवाहा के बीच में है। नवादा सीट बीते 15 साल से एनडीए के पास ही है। अच्छा खासा गढ़ ये एनडीए का है, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां से अपना उम्मीदवार उतारा है। 2009 में बीजेपी के भोला सिंह यहां से सांसद बने, फिर गिरिराज सिंह ने जीत दर्ज की 2014 में, और 2019 में एलजेपी के चंदन सिंह ने यहां से जीत दर्ज की थी। अगर हम 2019 के आंकड़ों के अनुसार नजर डालें तो चंदन सिंह को 4,95,000 ज्यादा वोट यहां पर मिले थे। आज एक और कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था। दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए है जिसका एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे, आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा। प्रशांत, आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी एक तरीके से हमें मंच से देखने को मिलेगा। 72 घंटे में दूसरी बार बिहार पहुंच रहे हैं पीएम मोदी, क्या तैयारियां और क्या तस्वीर देखने को मिलेगी आज? देखिए जी, बस अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादा पहुंचने वाले हैं। नवादा के कुंतीनगर में यह तैयारी है और व्यापक तैयारी है। आप समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है क्योंकि यहाँ से विवेक ठाकुर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और इससे पहले भी लगातार ये सीट जो है बीजेपी के खाते में रही थी। सिर्फ एक बार इसको एलजेपी को दिया गया था 2019 में, जहाँ से चंदन कुमार चुनाव जीते थे। लेकिन आज की जो तैयारियां हैं, सबसे अहम बात इसमें यह है कि इसमें चिराग पासवान और उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस दोनों एक साथ मंच पर नजर आएंगे।
नीतीश कुमार तो मंच पर रहेंगे ही, साथ में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नित्यानंद राय के साथ जो अशोक चौधरी हैं जो बिहार के मंत्री हैं जेडीयू के खाते के, वो भी मंच पर आपको दिखेंगे। इसके अलावा गिरिराज सिंह भी मंच पर हैं, क्योंकि गिरिराज सिंह का ये इलाका माना जाता है और गिरिराज सिंह यहाँ लगातार एमपी होते रहे थे, उसके यहीं से निकलकर वो बेगूसराय गए थे। तो प्रधानमंत्री के लिए यहाँ सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया था और चारों तरफ आप यहाँ देखिए कि भीड़ है, लोगों की भीड़ है, लोग प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। और बीजेपी ने नवादा सीट को लेकर के एक तरह से यह शक्ति प्रदर्शन किया है, क्योंकि यहाँ आरजेडी के जो श्रवण कुशवाहा हैं उनकी तरफ से जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने भी अपने रैली प्लानिंग की है और लगातार वो पीएम पर निशाना भी साध रहे हैं। लेकिन आज पीएम इस मंच से निश्चित तौर पर फिर से एक बार आरजेडी और कांग्रेस को निशाने पर लेंगे। और ये आपको बता दें कि बस गया से प्रधानमंत्री का जो चौपर है वो नवादा के लिए निकल चुका है और बस थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ मंच पर होंगे और यहीं से वो बिहार के चार सीटों को भी जो वोटिंग होना है पहले फेज में, जिसमें गया है, औरंगाबाद है, नवादा है और जमुई है। इससे पहले जमुई में पीएम वहां पर अपना भाषण कर चुके हैं, आज नवादा में है, इसके बाद फिर गया में है। उनकी भाषण, उनके भाषण की भी तैयारी है जो 15 या 16 को हो सकता है। यानी बीजेपी बड़ी जानकारी दे रही है कि चौपर से रवाना हो चुके हैं नवादा के लिए प्रधानमंत्री और कुछ ही पल में नवादा पहुंच जाएंगे। प्रशांत, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट हम लेंगे। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर मंत्रियों का आखिर क्या कुछ कहना है वो भी सुनते हैं। अरे सवाल पूछने हैं सर, नवादा जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं सर, बहुत अच्छी मीटिंग होगी और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। उनका स्वागत है, बिहार की पावन धरती पर प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। और लगातार हमारे साथ प्रशांत जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं। प्रशांत, बीजेपी का और एनडीए के जो समर्थक हैं उनका ये लगातार दावा है कि एक अच्छे मार्जिन के साथ जीतेंगे। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई में जब जनसभा की तो विपक्ष पर जमकर बरसे थे प्रधानमंत्री। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले ग्राफिक्स के जरिए मैं बता दूं कि आज का पूरा जो प्लान है प्रधानमंत्री का वो किस प्रकार से देखने को मिलेगा। आज सबसे पहले नवादा कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के नवादा के बाद निकलेंगे सीधे बंगाल के जलपाईगुड़ी, यहां पर भी जाकर जनसभा को संबोधित करेंगे। और ये माना जा रहा है कि टीएमसी की सरकार ममता बनर्जी पर जमकर निशाना सकते। इसके बाद सीधे मध्य प्रदेश का रुख करेंगे, यहां जबलपुर में जाकर उनका एक मेगा रोड शो होना है। शाम का वक्त होगा, जबलपुर में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज तीन राज्यों में धुआंधार प्रचार प्रसार का दौर देखने को मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उपवास शुरू हो चुका है। जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के कई विधायक उपवास पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर। केजरीवाल की गिरफ्तारी का लगातार विरोध किया जा रहा है और उसी के लिए आज जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास पर बैठे हुए हैं आपके कार्यकर्ता, बड़े नेता और इस वक्त आपके जो विधायक हैं वो उपवास पर बैठे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर से हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं, उनको जेल जाना पड़ा, तिहाड़ जेल में बंद है और इसी वजह से लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नाराजगी अपनी व्यक्त करते आए हैं। सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। दूसरी तरफ आज प्रदर्शन हो रहा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री आतिशी भी देखिए मंच पर पहुंच चुकी है। प्रार्थना करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो केजरीवाल जी को आशीर्वाद दे, उनको ताकत दे कि जिस लड़ाई में, जिस संघर्ष में वो इतने सालों से लगे हुए हैं उसमें वो संघर्ष करते रहे और पूरा देश और हम सब उनके साथ। आज का हमने कॉल ये दिया है कि जितने भी समर्थक हैं, जिनको भी ये लगता है कि प्रजातंत्र को खतरा है, अभी जिस तरीके से व्यवस्थाएं तोड़ी जा रही है, उन सब से ये निवेदन है कि वो अपने अपने तरीके से आज उपवास रखेंगे।